हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके जून 2021 के टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए आपका जो हॉल टिकट है वो इग्नू की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ न्यू चेंजेस आपके हॉल टिकट में देखने को मिले हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका हॉल टिकट जो है वो कैसे आएगा। सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको हॉल टिकट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको हॉल टिकट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सर्च करके अपना जो हॉल टिकट है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि हमारे यहाँ पर जो BAG या BCOM जी के सब्जेक्ट हैं वो भी सो रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी सो रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस आपको ये देखने को मिला है कि यहाँ पे BAG BCOM जी के भी सब्जेक्ट सो रहे हैं और जो बैचलर डिग्री के ऑनर्स के प्रोग्राम है वो भी सो रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको सो हो रहा है, यहाँ पर BAG इसके बाद BCOM जी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर सो हो रहे हैं। तो क्या फर्स्ट और सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम है? तो दोस्तों, नहीं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अपडेट हैं, पर एग्ज़ाम सिर्फ यहाँ पर आपके फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के हैं। जितने भी फाइनल ईयर के या बैकलॉग के स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं के एग्ज़ाम हैं, और फर्स्ट और सेकंड ईयर के अभी एग्ज़ाम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम पोस्टपोन करके दिसंबर में कर दिए, और अगर आप अपना ना इनरोलमेंट नंबर डालकर सर्च करते हैं तो आपका यहाँ पर हॉल टिकट नहीं आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर रोल नंबर डाल के सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाला, इसके बाद मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर जब सबमिट किया तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉल टिकट इशू ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट। मतलब कि ये जो हॉल टिकट है ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा PG डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के उनके लिए यहाँ पे नोटिस दिया गया। जैसा कि इग्नू की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसमें बताया गया था कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, क्योंकि ये हॉल टिकट सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है, और जितने भी बैकलॉग के डिप्लोमा PG डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके एग्ज़ाम जो हैं अगस्त में कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड डालने के बाद जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जब आपका हॉल टिकट आ जाता है तो यहाँ पर आपको एक न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपकी फ़ोटो नहीं है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर आपकी यहाँ पर फ़ोटो नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करनी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको यहाँ पर पेस्ट यूर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर आपको अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है, इसके बाद आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का और भी डाउट है। स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो ग्रुप में है, सेम डे में, सेम डेट में, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड सेशन ऑफ एग्ज़ाम विल नॉट बी इंटरटेन इन केस ऑफ कोर्स आर फ्रॉम द डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम द सेम ग्रुप। जो ग्रुप के एग्ज़ाम आपके होने थे ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 के, तो इसमें आपके एग्ज़ाम सेम डेट और सेम टाइम पर हो सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका सेम डे में दो एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आपका एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून सेशन में होगा। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनके हॉल टिकट में दोनों पेपर एक ही टाइम पर और एक ही दिन है, यानी कि उनका एक पेपर मॉर्निंग में और दूसरा पेपर भी मॉर्निंग में है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपका एक ही एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आप दूसरा एग्ज़ाम एक साथ कैसे देंगे, आप दोनों एग्ज़ाम एक साथ कैसे देंगे। या तो आप ये भी कर सकते हैं, आप एक दो दिन बाद अपना हॉल टिकट अपडेट करके देखें। सेट टेक्निकल एरर की वजह से इसमें हो सकता है कि आपको सेम सेशन दिखा रहा है मॉर्निंग मॉर्निंग या आफ्टर आफ्टरनून, इसलिए आप एक दो दिन बाद दोबारा से अपडेट करें। या फिर अगर अपडेट नहीं होता है, सेम रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक एग्ज़ाम अभी देना है, क्योंकि दो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है एक साथ देना, और दूसरा एग्ज़ाम आप दिसंबर सेशन में देंगे, यही आपके पास एक ऑप्शन है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जिसमें आपको बताया गया है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अगर हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हॉल टिकट आता है या नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि
हमारे जो लैब के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने लैब और प्रैक्टिकल के जो फॉर्म है एग्ज़ाम फॉर्म वो फिल किया था, पर यहाँ पर सो हो रहा है कि उसके एग्ज़ाम की कोई डेट या कोई सेशन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर अपियरिंग प्रैक्टिकल और लैब, जिनमें स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल और लैब के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट करें अपने एग्ज़ाम के लिए कि आपका प्रैक्टिकल का और लैब का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि उसके लिए आपका जो रीजनल सेंटर है वो अलग से एक शेड्यूल जारी करता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके हॉल टिकट के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है आपके हॉल टिकट या इग्नू से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।